मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा, मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा। दो आलम के दाता को दिल दे चुका। जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी नजर जर्रे जर्रे विभा की है, जिसकी नजर जर्रे जर्रे पेखा की है, जिसकी नजर जर्रे जर्रे पेखा की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी समातों को छूती हुई हमारी आवाज
ZU FM 98.2। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस लिटरेचर और कल्चर लाया आपके लिए BS सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन तालिबे इल्मों के लिए जो एक ऐसी डिग्री हासिल करना चाहते हैं जिससे वो दुनिया को बदलने में अपना किरदार अदा कर सकें। चार सालों पर मुहित BS सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल एंथ्रोपोलॉजी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया और आर्ट्स के मजामीन शामिल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से सीखने के बेशुमार मौके फराहम किए जाएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के जरिए इन्हें मुआशरे की अमली मालूमात और मुहर्रिकात को जानने और मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए इसका इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। हमारे सोशल डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में अपने लिए बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकते हैं। CSS से लेकर मुख्तलिफ आलमी इदारों और NGOs में काम करने तक जैसे कई पेशे BS सोशल चेंज के तलबा के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। हमसे राब्ते के लिए कॉल करें 02135305790। व्हाट्सएप इंक्वायरी के लिए हमें मैसेज करें 03498213388। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। सितारों का अहवाल, लेकिन उससे पहले सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, शायद स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेज, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है, आपको यहां पर भी अपने अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना था कौन कौन कहां कहां से सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर, सो घुन्नो बहुत वो घुन्ना बन बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम।
सो बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान से तरीके का पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में क्या करेंगे आप सर्च करेंगे आप ZFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहान अली ऑन फेसबुक एज वेल। तो दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक एंड फॉलो कीजिएगा मजीद आगे जाएंगे नजर रखें इंस्टाग्राम सर्च कीजिएगा @RJFarhanOfficial तो वहां पर मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा उस अकाउंट को जाकर आपने जल्दी से फॉलो कर लेना है ताकि आपकी जिंदगी में बाहर निखार सवार सब कुछ आ जाए। मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा यूट्यूब सर्च करेंगे सैयदा फरहान अली कराची की कली। सो अगर तो आप शहर से बाहर हैं सुबह से बाहर हैं मुल्क से बाहर हैं कोई मसले वाली बात नहीं बहुत ही इजीली आप हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक और माय ट्यून रेडियो ऐप। और अगर आप चले जाएंगे ज़ियादुन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो वहां पर भी आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा बस आपने परेशान नहीं होना। वो क्या कहते हैं कि जब हम हैं तो फिर क्या गम है। सो चाहे आप शहर से बाहर हों सुबह से बाहर हों मुल्क से बाहर हों क्या फर्क पड़ता है बस आपने ना आप से बाहर नहीं होना। हमारे शो में आने के लिए आप में आना पड़ता है आप में आइए हमारे शो में आइए वेलकम करेंगे आपको। ठीक हो गया जी बातें बहुत सारी हैं आज भी और खबरें शबरें बताएंगे क्या चल रहा है दुनिया में और साथ ही साथ आज के दो टॉपिक्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आपके स्टार्स की बात करेंगे और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लाजमी राइट। तो चलें जी टुडे आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल ओके चलें जी हाँ जी हाँ जी वाला गाना प्ले करते हैं वापस आते इसके बाद फिर करते हैं आपसे मजीद बातें आप कहीं नहीं जाना और वो पता है ना कि आपको कि अगर आप कहीं जाएंगे तो पछताएंगे बस हम आपको बार बार ही बताएंगे लेकिन बस वही बात है कि भाई Alright, welcome back. Because you watched again, it's 30 minutes past 9 on the dial right now. Okay, I was saying 35, but it's 30. So, Haji. सो देखें बड़े पछतावे होते हैं ना हमें दुनिया में मतलब जिंदगी में दुनिया के हवाले से लोगों के हवाले से हमें बड़े पछतावे होते हैं हमें रिग्रेट होता है अरे हमने ऐसा किया तो क्यों किया मतलब नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें अच्छी बातों का भी रिग्रेट हो जाता है ना कि हमने फलां को जो है वो इतनी रिस्पेक्ट दी तो क्यों दी मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं या फलां के लिए हमने अपना टाइम जाया किया तो क्यों टाइम जाया किया बहुत सारी बातें हो सकती हैं राइट। सो बेसिकली मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है आपको किस चीज का रिग्रेट है किस चीज का पछतावा है हमें कहते हैं ना पछताना नहीं है आपने तो आप बताएंगे आपको किस चीज का पछतावा है और अगर पछतावा है तो उसको मतलब सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है ये भी बता सकते हैं राइट। साथ ही साथ एक लाइन कंप्लीट करेंगे चले हम बहुत गाना ये प्ले करते हैं तुरंग शरबतों का। अगर उसकी सैलरी कोई 25-30,000 होती है ना नॉर्मली अगर उसकी सैलरी को भी कम कर दिया जाएगा तो हाउ कैन दे सर्वाइव यू नो सो इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके ओके अच्छा जी चले जी और हाँ जी बड़ी डिप्रेसिव न्यूज है आज तो भाई सियासत किससे निजात हासिल हो सकेगी कि जिनकी बिना पर अपने आप को अजियत से भी आप बचा सकते हैं आज अपने आप को संभाले और मामूलात की अंजामदही में अपनी तवज्जो मरकूज करके जितनी जल्दी हो सके मुमकिन हो सके आपके लिए अपने आप को फायदेमंद सरगर्मियों का हिस्सा बनाने की कोशिश करें और इससे अपने बाहमी ताल्लुकात को भी आप मजबूत बना सकेंगे। अपने साथ काम करने वालों के बारे में उनकी कारकर्दगी के बारे में अपनी राय या फिर अपने तबसरे दूसरों के सामने ना लाएं और जिस हद तक मुमकिन हो दरगुजर से काम लें। शाम में अपने किसी रिश्तेदार की जबानी कोई खुशखबरी सुनने के बाद ही आप कोई नई मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ओके बात करते हैं एरीज के एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। सो एरीज वालों आर यू देयर आज सितारों के असरात की वजह से आप जहनी उलझाव से निजात हासिल कर सकेंगे जबकि सुबह से ही आप किसी न किसी काम का आगाज करके अपने जोशीलेपन का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे दूसरों से किसी भी किस्म की बातचीत करना अच्छा लगेगा और अपने दोस्त अहबाब से मिलने या कारोबारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू करना भी फायदेमंद रहेगा। लेकिन ऐसे अमूर में किसी पर जबर करके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी को दुख पहुंच सके। किसी किस्म की खरीदारी या नई सरमायाकारी के लिए फिलहाल मनसूबाबंदी करने की कोशिश ना करें वरना आपके फैसले गलत साबित हो सकते हैं। अपने प्यार भरे रिश्तों को मजीद बेहतर बनाकर कई किस्म की मुश्किलात से बच सकते हैं लेकिन सच बोलने से हरगिज ना डरें ये चीज तेरा मुखड़ा जीवन बात करते हैं टॉरस की। आजकल सच बर्दाश्त नहीं करता कोई भाई सीधी सी बात है
बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? सो आज आपको अपनी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा करने की कोशिश किए बगैर अपनी मंजिल के हुसूल की कोशिशों का आगाज करना होगा और अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को निभाना भी मुश्किल साबित होगा। कुदरती तौर पर ऐसे हालात में आपको जहां से भी किसी भी तरह की मदद की तवक्को होगी, आप वहीं से अपने रवाबित बहाल करने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। शाम में आपको अपने दोस्तों की जानिब जाने का मौका मिल सकता है कि जिसके दौरान आपकी गपशप इस तरह से होगी कि माजी हाल और मुस्तकबिल के ताने बाने सब यकजा हो जाएंगे। ओ वाओ, ऐसा लगता है इस तरह के लफ्ज़ पढ़ के ऐसा लगता है कोई मेरा नॉवल पढ़ रही हूँ। ताने बाने यकजा हो जाएंगे माजी हाल और मुस्तकबिल के। तो बात करते हैं जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। सो आज अपने ख्यालात को यकजा करने और उनसे नामुनासिब अंदाज में है कहते हैं मुनासिब अंदाज में काम लेने के लिए अपने अंदर ना तड़प और जोश महसूस कर पाएंगे आप। ओके, कहते हैं जैसे आपके ख्याल सिर्फ अपनी बेहतरीन फायदे के बारे में ही अक्सुई इख्तियार करने में मसरूफ हैं और इसके अलावा किसी बात की आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको अपनी बात कहने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी आज के दिन। तो ऐसे में अपने आप पर एतमाद करें, अपनी जात पर एतमाद करें और अपने लिए किसी किस्म के खतरात मोल ना लें और अपने मामला को आगे बढ़ाएं। बात करेंगे कैंसरियंस की, कैंसरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो कैंसर्स वालों क्या होता है कैंसर वालों? तो आज का दिन आपके लिए किसी भी किस्म की मनसूबाबंदी करने और नई सरमायाकारी करने के लिए मुआविन साबित हो सकेगा। सबको एक ही बात बताते हैं, मुस्तकबिल के बारे में सोच समझ कर कोई फैसला करें। इसके अलावा आपके प्यार भरे ताल्लुकात बहुत बेहतर और मिसाली रह सकेंगे जिससे आप बहुत पुरसकून और मुतमईन नजर आएंगे। दूसरों के हालात वाकयात से मुतासर होकर जोशीले इकदामात करने से गुरेज करें। अगर आपने किसी भी किस्म के खतरात मोल लिए तो आप किसी कानूनी उलझन में मुलव्वस हो सकते हैं, इसलिए बेहतर यही कि अपने आप को पुरसकून और बाएतमाद बनाने के लिए जी भर के सैर व तफरी करें और दोस्तों अहबाब के साथ गपशप करें। चलिए जी, बात होगी आपके स्टार्ट की, बात करेंगे अब आप ले चुके कौन कौन कहां कहां से मौजूद है हमारे साथ, किस किसने अटेंडेंस मार्क करवा दिया, कौन है जो ढीर जिसने अभी तक अपने अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई। नजफ खरल हमें सुनते हैं मुजफ्फरगढ़ से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं सुपर शो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सासा सनी चिन्नी, उठ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं वेलकम टू द शो फ्रॉम लाहौर से। चलें, जबरदस्त हो गया अभी आपने, और इसका नाम क्या लिखा है आई डोंट नो। और साथ साथ फराज कहते हैं कि बीबी शरीनी प्ले कर दे, बीबी शरीनी प्ले कर दो, अच्छा चलो सही है, आई ट्राई। और साथ साथ सनी चिन्नी बहुत शुक्रिया, मार्क करवा दिए, मतलब मार्क कर दिए। और फराज कहते हैं सॉन्ग क्या आप हम सबको याद करवा रही हैं, जब देखो ये सॉन्ग पुराने, उफ ये नया सॉन्ग है बेटा, ये कौन सा पुराना सॉन्ग है, नया सॉन्ग है ये, अपडेट करो अपने आपको। चौधरी गालिब जहलम से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम और सब बखैर। अनफाल अहमद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहती हैं, और आप मेरा तो आपको पता ही है कि मैं सो क्यूट हूँ। अच्छा हमें क्या बता भाई, आपने आप बताएंगे तो पता चलेगा अनफाल ये लड़का है कि लड़की है। मिस्टर साबिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। फराज कहते हैं स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आज, वाओ। हाँ आज मतलब मौसम बहुत ही ऑसम है, वो अलग बात है सर्दी ज्यादा है। अच्छा जी, साथ साथ फराज कहते हैं कि करारा राशा ये सॉन्ग प्ले नहीं किया काफी लॉन्ग टाइम हो गया, ये मैं कभी प्ले ही नहीं करती, पहली बात हुई है ये वाला ट्रैक मैंने कभी प्ले ही नहीं किया। अच्छा जी, मतलब अगर किसी ने फरमाइश करो बहुत टाइम पहले अगर प्ले किया हो तो किया, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ये वाला गाना प्ले किया, पश्तो गाना ना। महफूज खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अभिजान, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अनफाल अहमद कहते हैं, कहती कल आपको बहुत अरसे बात सुना तो महसूस हुआ कि मेरा आपके साथ प्यार में कोई कमी नहीं आई है, सच्ची लव यू सो मच एंड मिस यू। अभी मैं ना कराची से आपकी क्यूट सी लाडली आरबी हूँ, ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि भाई फराज की आरबी कौन है पता नहीं, आरबी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग अभिजान, गुड मॉर्निंग। और अमर कहती हैं कि मेरा इरादा नहीं किसी काम को शुरू करने का, मैं तो ब्लैंकेट में ये सितारे झूठ बोलते हैं। हाँ अमर ऐसे ही है, मतलब ये कुछ भी कहते हैं। मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ फराज कहते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ गर्ल्स बोलती हैं, अच्छा तुम्हें कैसे पता, मतलब ये तुमने फतवा कैसे जारी किया, पता कैसे चला कि सबसे ज्यादा झूठ लड़कियां बोलती हैं, लड़के नहीं बोलते, जान तारे तोड़ के लाऊंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं मतलब ये भाई देखो तीन चार साल बस गुजार लो फिर उसके बाद जो ना अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। व्हाट इज दिस?
अक्सर लोग पता ऐसी ऐसी स्टोरीज मैं देखती हूँ ना, कहती हैं कि लड़कियां बता रही होती हैं यार बस कर दो फिर, अब मैं चली जाऊंगी ना, अगर मैं जाऊंगी इस पर तो फिर बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। सो नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही भाई, सब डिफरेंट होते हैं, हर कोई एक जैसे नहीं होता, अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कहीं कहीं लड़के भी मजलूम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक तो ये वाला गाना मुझे नजर आ गया, सबसे पहले इसको हम बैकग्राउंड पे सुनेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है अंकल, कैसे आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? माहौल पे रहिएगा, मैं रेडियो बंद कर दूं। जी जी अंकल, जी जी बंद कर दीजिए प्लीज। वाह भाई मेरी अपनी आवाज आ रही है मुझे। ओके हाँ, आवाज आ रही है आपको? अब नहीं आ रही अंकल। कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? लगा करम है आपके दुआओं के सदके। तबे ठीक है आपकी? मैंने कहा ना अल्लाह का करम है आपके दुआओं के सदके। अच्छा ठीक है, और देखो जैनब कैसी है? जैनब ठीक है? हाँ जैनब, आपको सलाम, कहा है मेरा? वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे कलेजा जी जी, अम्मा अम्मी जान और पापा जानी को ना घर पे जाके मेरा और जैनब का सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम, जरूर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जी बिल्कुल, सर्दी बहुत है। अपना मेरा कलेजा। बिल्कुल ऐसे ही अंकल, बहुत ख्याल रखते हैं अपना हम। अच्छा अब कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से या वहाँ से? अंकल कहीं से भी शुरू कर ले बस। कहाँ जाऊँ, लेफ्ट को जाऊँ या राइट? राइट अंकल, ऑलवेज राइट। But if the people, you know, आ जाता हूं, राइट को, फिर याद रखना लेफ्ट को मुझे जरूर जाना है। अंकल लेफ्ट पे जरूर जाएं, अगर वहाँ पर राइट लोग हैं तो जरूर लेफ्ट पे जाएं। नहीं लेफ्ट पे बस अंकल, ये बात होनी चाहिए, लेफ्ट पे अगर राइट है ना तो ठीक है, अगर राइट पे लेफ्ट है तो छोड़ दे राइट को। कल मैं आ गया लेफ्ट पर आपके कहने पे, कुछ आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। बताइए अंकल क्या कहेंगे? अरे हाँ, कल मैं गया था यहाँ बराबर के हॉस्पिटल में ना, तो वहाँ से मैंने दवाई ली है, कुछ मतलब के फर्क पड़ गया है। क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो। तो आपने कहा था ना दवाई ले लेना, मुझे दवाई लेनी ही पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, आइंदा ना आप ये मत कहना कि दवाई लो। ठीक है अंकल, मैं कहूँगी आप प्लीज मेडिसिन जाके ले लीजिएगा। अंकल मेडिसिन का भी नाम नहीं ले लिया। नहीं अंकल ऐसा तो हो नहीं सकता, अंकल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा हाँ ना, और क्या भाई अंकल, आप बीमार नहीं होंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे तो फिर कैसे ठीक कैसे होंगे? बहुत छोटी वो मेरा कलेजा, बहुत छोटी हो अंकल, वो तो मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी बड़ों के साथ भी ना सख्ती करनी पड़ती है। तो सुन लो अंकल की बात सुन लो। अच्छा सुनाए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े मैंने डॉक्टर देखे अपने लाइफ में। अच्छा, नाम के डिग्रियों के ढेर लगे हुए होते हैं, सही है, प्रोफेसर और पीएचडी लिखे हुए होते हैं, बिल्कुल सही है। वो भी कह देते हैं मरीज के जो रिश्तेदार होते हैं उनको कि जी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्लाह के आगे कोई डॉक्टर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो अंकल वो अपनी कोशिश भी तो कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सर्जरी वर्जरी नहीं कर रहे, जाओ दुआ करो बस। अंकल अंकल नहीं अंकल, देखे वो भी अंकल काम तो कर रहे होते हैं अपना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ अंकल। मेरी बेटी के जब मासूम से दोनों हाथ उठ जाते हैं ना, कसम खुदा की अर्शे अजीम भी हिल जाती है। आप क्या बात करते हो? वो तो ठीक है अंकल, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या मेरी दुआ, मेरी बेटी की दुआएं क्या रद्द होती है? नहीं होती अंकल, नहीं होती, हम कब कह रहे हैं रद्द होती है? डॉक्टर लोग गलत कह रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है अंकल, अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसे खुश हैं तो ठीक है, ऐसे ठीक है। आज आप कह दे कि अंकल आप जीत गए, मैं हार गई। अंकल आप जीत गए, मैं हार गई। मेरा कलेजा खुश रहो, सदा खुशी रहो, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अच्छा आता हूँ मैं लेफ्ट पर। हाँ जी प्लीज। कल 26 तारीख जुमेरात को मैंने गलती से दुआ जहरा कह दिया। हाँ जी कोई बात नहीं अंकल। नहीं कोई बात नहीं है, बात है। हाँ। अब दुआ शहर है तो दुआ शहर से मैं यही कहूँगा। हाँ। तो भाई तुम तो शहर भर की दुआ हो। हाँ। अब इससे आगे मैं और क्या बोलूँ, दुआ मेरी बेटी। हाँ। अब तो खुश हो गई। हाँ, सही हो गया अंकल। अच्छा अच्छा, चाहत के लिए मैं इतना ही कहूँगा जी कि चाहत को अल्लाह राहत दे।
बिल्कुल आमीन। अच्छा आप आए कि आपने टॉपिक पर किसी ने कहा, आपके टॉपिक पर किसी ने कहा, वो आपका रेडियो है ना बार बार बंद हो जाता है, तो नाम निकल गया था। अच्छा क्या कहा गया कि अंकल वादे से मुकर गया बिरयानी। आबिद अमीर ने कहा था अंकल, या आबिद अमीर ने? आबिद अमीर ने कहा था ना, मुझे पता था। मैंने कहा ये दोनों मियां बीवी का ही शरारत खाना है। क्या कहा था इन्होंने जरा रिपीट करना अगर याद हो तो। अंकल मुझे याद नहीं है। याद नहीं है ना? नहीं ना अंकल, इतना इतना बड़ा कमेंट था उनका। इनकी मैं अब खबर लेता हूँ। जी जी, आबिद अमीर और आयशा आबिद अमीर, आप दोनों सुन लो, मेरी बेटी और मेरे दामाद, आपको मैं एक हफ्ते का मजीद टाइम दे देता हूँ। यानी याद रखिएगा कि आज से लेके अगले फरवरी में, 5 फरवरी तक, 5 फरवरी को कश्मीर डे छुट्टी है, आपकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी, आपकी छुट्टी भी नहीं होगी आबिद अमीर। 5 फरवरी तक आपने आना है मेरे पास। लेकिन याद रखिएगा फराना साथ में होगी, फराना मुझे ओहो अंकल, ये आपने क्या शर्त रख दी। 5 फरवरी भी निकल जाएगी। अगर अगर मैं पूरा देख का देख नहीं, 7 देख खोल दू ना, और मेरी बेटी को एक प्लेट बिरयानी की नहीं मिलेगी ना, तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 7 बिरयानी की देगे खोलने के बजाय एक पतीली खोल के मैं अपनी बेटी को 7 बिठा के बिरयानी खिला दूंगा ना, उसमें एक बोटी और एक चावल हो, तो अल्लाह रब्बुल करीम जो है ना वो 7 नहीं 70 देगे कबूल फरमाएगा। ऐसे ही है, क्योंकि ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद है। बिल्कुल समझ गए आप भी जमीर। अंकल बहुत सियाना है, अंकल बहुत दुनिया देखी है, तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है मेरी जान। ओके ठीक है, और बताइए अंकल। अच्छा वो आया था भोंगी बाज। भोंगी बाज इस तरह थोड़ी कहा जाता है गाना प्ले करने के लिए। ये फरमाइश इस तरह नहीं होती, देखो मैं फरमाइश कैसे करता हूँ। तो बाबा दिल जीतने का हुनर सीख लो। होगा ना तो आगे वाला खुद ब खुद कहेगा कि नहीं यार इन्होंने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है। अब इनकी बात पे ना अमल करो ही करो। देखे मेरी बिटिया, सुन लो भोंगी बाज सुन लो। ओ मेरी बिटिया। हाँ जी अंकल, आपको ना गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट। मुझे पता है आप रिक्वेस्ट किसी की पूरी नहीं करते। जी जी अंकल, आज ना अपने अंकल की फरमाइश पे ना चाय वाला गाना चला दो, और बेबी अपनी बेबी है ना उसको डेडिकेट कर दो अंबर को। सही हो गया अंकल, ठीक है चाय वाला गाना। बिल्कुल अंकल बिल्कुल। वो भोंगी बाज सुन लिया आप? देखो अभी भोंगी बाज चल अंकल, वो गाना प्ले करती हूँ। हाँ जी अब आता हूँ, मेरे उल्टा पूरा हो गया सीधे तरफ। हाँ अंकल जल्दी जरा जल्दी, कॉल लंबी हो जाएगी। अनवर जावेद भट्टी, प्रोफेसर मेरे उस्ताद मोहतरम रमजान मलिक और सरदारी साहब मोहम्मद अयूब साहब के लिए अंकल इस तरह से कहता है कि नजर से दूर रखकर भी मुझ पर इतनी नजर रखते हो। अच्छा दूर रखकर भी मुझ पर इतनी नजर रखते हो, आखिर बात क्या है जो इतनी खबर रखते हो। कैसा रहा? जबरदस्त अंकल, आला। अच्छा आप मॉर्निंग वाइफ के लिए कह दूं, मेरे साबिर साहब और मेरे मोहसिन साहब जो है ना, साबिर भाई और मोहसिन भाई है ना, जी जी बिल्कुल, हाँ वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे अंकल हमें याद ही नहीं कर रहा आजकल, क्या होगा अंकल, कैसा कौन सा बुखार आ गया। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं अंकल। तो ये मॉर्निंग वाइफ के लिए मैं कह दूं ताकि वो भी जरा खुश हो जाए, मेरे दोनों भाई। जी मॉर्निंग वाइफ राज सदा मुस्कुराते फैलाने का। मॉर्निंग वाइफ का राज क्या है? यही मैं कह रहा हूँ। जी जी मॉर्निंग वाइफ का राज है सदा मुस्कुराते फैलाने का। ये कोई 2 पल का नाता नहीं, ये नाता तो है हर अंधेरों और उजालों में उम्र भर का साथ निभाने का। ऐसा रहा जबरदस्त अंकल, आला।
अब तो ये साबिर भाई भी मुस्करा रहे होंगे चाय पीते जी पीते जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, गर्म होगी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मोहसिन याकत ने कुछ बताया, वो मैंने कहा था पंजे के नहीं अंकल, किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया ना, नहीं अंकल नहीं बताया। हाँ तो वो मलका पुखराज की बेटी ने कहा था, ताहिरा सैयद ने जी, ये महफिल जो आज सजी है इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए मोहतरम, आप माफ कीजिएगा, आपसे मैं बढ़कर नहीं हूँ, आप तो मेरे सर आंखों पर हो मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर साहब, क्योंकि वो तो प्रोफेसर है ना भाई, बिल्कुल सही हो गया। अरे हाँ एक पर्ची तो आप मुझे लिख दो बाबा, रुका लिख दो मुझे अंकल, जल्दी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, बस ये मुझे रुका लिख दो प्रोफेसर साहब के नाम पर। अच्छा केवल अंकल बीमार था तो इसको अभी आप ना स्कूल में दाखला दे दें वापस। अच्छा सही हो गया, ठीक हो गया अंकल, चलें जबरदस्त हो गया, जरूर जरूर जरूर। पर्वत गुजारे आलम आपको हमेशा खुशियों में रखिए, खुशियाँ लुटाती रहो, जजाकल अंकल, खुशियाँ लुटाती रहो मेरा कलेजा। अंकल जैनब को मेरा सलाम कहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा अंकल, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़। ओके गाना खत्म हो गया, सो 0321-366-0303 नंबर टू कॉल। कैसे हो, शुक्रिया। ओके अच्छा भाई चले भाई हम गाना चेंज करते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड दिस इज, अच्छा अंकल ने चाय वाला गाया, वो चाय वाला गाना भी प्ले करते हैं। चले जी साथ साथ हम इस गाने को बैकग्राउंड में सुनेंगे एंड देन लेट्स सी कि कौन हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ, नाम बताइएगा। मैं काशिप बोल रहा हूँ न्यू कराची से। जी काशिप कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी, क्या कहेंगे टॉपिक पर? क्या कहूँ मैं, आप सुनाएं? नहीं टॉपिक पर क्या कहेंगे, टॉपिक आपने सुना? टॉपिक से ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार ये कि हमारा यार जो ना रुक गया है। अच्छा उसके लिए कुछ सॉन्ग डेडिकेट करते हैं दोस्त वाले। अच्छा चलें हम अभी सॉन्ग वाला चाय वाला डेडिकेट करते हैं आपके दोस्त को, सही है? चलें बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। ओके चलें जी, सो हाँ जी चाय वाला गाना आ गया और हम इसकी पहली लाइन तो जरूरी सुनते हैं। लाइन पर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, खुश रहिए, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। आप कैसे हैं इमरान साहब, इतने दिनों के बाद कहाँ गायब थे? अब ये मैं क्या जवाब दूँ आपको के हाथ थक जाते हैं आपको कौन सा बुलाएंगे, आप कहाँ रहते हैं? चले I'm really sorry, नंबर हो गया मेरा, इतना बता दूं आपको, I'm really sorry for that। सर्दी में ना उंगलियां ठंडी हो जाती है ना, जी जी बिल्कुल, तो कॉल मिलाते वक्त उंगलियां काम नहीं करती, सही सही सही। So, कैसे आप ठीक हैं? ग्लव्स पहन के करो तो मोबाइल हाथ से छूट जाते हैं। हाँ जी ऐसे ही है, कैसे आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? शुक्र है मेरे मालिक का, जुमा मुबारक आपको, खैर मुबारक, आपको भी जुमा मुबारक हो। इतने मैं पता है यकीन कीजिए कि मैंने आज ट्राई शुरू से किया, मैंने कहा चलो अर्ली टाइमिंग में करें शायद कॉल लग जाए, जी जी बिल्कुल, और फिर क्या कहते हैं मेरा मोबाइल में वायरस भी आ गया था काफी, ऐसे मैंने वैसे भी नहीं की कॉल ना। अच्छा अच्छा सही सही सही, और ये सब सबके लिए ढेर सारी दुआएं और सब बहनों के अल्लाह नसीब अच्छे के जो अल्लाह दुआ कबूल समय सबकी, आप आज न्यूज लेके आई थी, आपने कहा ना खरबों रुपए का इजाफा हो गया कर्जों में, उसकी वजह डॉलर का बढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, रुपए की कदर गिर रही है ना इस वजह से, हाँ एकदम से ना 262 रुपए पे आ गया, और वो हमारा जो कर्जा आप उतारने का वक्त आया है ना तो उसके डॉलर के रेट बढ़ गए, और हर दफा होता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी आप कर्जा देने जाएंगे ना डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर बढ़ जाएगा, और फिर हम वैसे करता रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर उस पर इंटरेस्ट भी है ना, उस पर इंटरेस्ट रेट भी है ना इस वजह से, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं होगा तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, देखने को 3% होता है सिर्फ, लेकिन वो 30% पे ले जाते हैं, ऐसे ही है टेक्निकली, ऐसे ही है, और अभी 300 अरब रुपए से ज्यादा, 300 अरब डॉलर से ज्यादा हमारे जो है ना वो बढ़ गया है कर्जा, बिल्कुल ऐसा ही है, और जो 3 खरब बनता है, बिल्कुल,
अब ये इस तरह से हम रोज डेली बेसिस पे ना वो होने का और उसके अलावा वो कह रहे हैं ना कि फिर अब बस सरकारी मुलाजमी जिनकी तनख्वाहें कम कर दी जाएंगी इस महंगाई के दौर में। जी 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 बिल्कुल यही। और तनख्वाहें तो सरकारी मुलाजमी तो फिर भी फायदे में रहते हैं, चलो उनकी परमानेंट जॉब होती है, लेकिन प्राइवेट वाला तो गया ना काम से, ऐसे ही है वो तो फिर वो डाउन साइजिंग शुरू हो जाती है, ऐसे ही डाउन साइजिंग स्टार्ट हो जाती है फिर वो, फिर दस दस लोगों का काम फिर चार लोगों से लेते हैं वो। और अभी से उन्होंने क्या है कि कुछ लोगों को घर बैठा दो, बिल्कुल, फिर उनकी तनख्वाह 50% करते हैं, फिर कुछ ऐसे के बाद कहते हैं नहीं अब आपकी जरूरत नहीं है, खुदा हाफिज़। बिल्कुल ऐसा ही है, बस वही बात है ना, फिर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, फिर मुल्क में क्या फिर हालात होगी। सोशल मीडिया पे वो चल रहा था NET यूनिवर्सिटी के इंजीनियर लड़के, जी जी, वो गाड़ियां साफ कर रहे थे। देखिए बस अब क्या टाइम आ गया ना कि कह रहे हैं अपना खर्चा भी निकालना है, फीसें भी भरनी है, अब ट्यूशन पढ़ाते थे तो ट्यूशन तक का सवाल आ रहा है, सही बात, कोचिंग वाले फायदा उठा रहे हैं, बस वो गारंटी देते हैं आपको हम पास कराएंगे, बाकी लोगों बेचारों का भूखा फ्लास से बाईपास हो रहा है। सही बात है, यही चल रहा है आजकल, बस अब वही इसी वजह से हर कोई डिप्रेशन जा रहे हैं, बाईपास के पैसे सुन के ही बाईपास शुरू हो जाता है। सही बात है, वो अगले बाईपास फिर उसमें ही निकल जाए बंदा, मतलब सरकारी भी फ्री नहीं है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है, पूछने जाओ तो बोलते चलो ज्यादा फ्री नहीं हो, वहीं से पकड़ा लेते ज्यादा फ्री नहीं हो भाई। और कुछ कहेंगे इसके अलावा? नहीं बस चले आज बात हो गई, हम इतने अर्से के बाद चले, मैंने कहा चलो इसी बारे में, नया साल है और आपकी बर्थडे थी 7th को, जी जी, तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बहुत शुक्रिया, दीपावली बनाए आपको, आमीन, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। और क्या कहते उसे मैंने ट्राई किया था, अच्छा नहीं उसे काफी सारे लोगों की कॉल नहीं मिली, टाइम हमारे पास शॉर्ट था, आजकल आपका प्रोग्राम का मामूली प्रोग्राम तो रहा नहीं है। ना करें। नहीं माशाल्लाह, वैसे मैं हमेशा से कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, और कॉल मेरी नहीं लगी फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की क्या मजबूरियाँ होती है, जी जी, तो इस वजह से मैं कभी जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया। ये नहीं असल में आपका प्रोग्राम ऐसा ना कि पीर और जुमा, जी जी, मेरा आपको तब नहीं लेती ना कॉल, नहीं नहीं मैं लेती हूँ, मैं पूरे हफ्ते कॉल लेती हूँ। नहीं नहीं वो जो कैटेगरीज किए ना आपने, नहीं नहीं पुरानी भी होते हैं वो ट्यूसडे और वेनसडे को मैंने रखा है कि नए कॉलर और लड़कियों का दिन, हाँ तीन दिन है जिसमें सब कॉल कर सकते हैं, भूल भी जाते, अच्छा अच्छा, और कभी बुध के दिन याद आता है तो जो लड़कियों का दिन होता है, एग्जैक्टली बुध बन जाते हैं। चलें खैर है, अच्छा लगा आपसे बात करके, हाँ जी सबके लिए एक कर देना दिन, एक कर दूं, नहीं वो असल में भी लड़कियों को मौका नहीं मिलता, फिर बार बार वो भी रिपीटेड मिल जाता है मौका, लेकिन आपको पता है लड़की वाले दिन भी कितनों के फोन आ जाते हैं, हाँ वो रिपीटेडली फिर वो कॉलर वही 4-5 कॉलर आते हैं तो फिर बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता, अगर मैं नए लोगों का दिन ना रखूं तो। हाँ ये कि नए लोगों के दिन भी आप ये देखें ना कि वो, लेकिन बाकी नए दिन रोजाना ही नए आ रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि नए दिन पर और लड़कियों वाले दिन पे कोई पुराना कॉलर ना आए, कोशिश हमारी नहीं, आप ये कर दें कि एक दिन जैसा कॉल की ना दूसरे दिन ना करें। हाँ। नहीं वैसे थर्सडे फ्राइडे को यही होता है कि जो थर्सडे को कॉल करते हैं वो फ्राइडे को कॉल ना करे। हाँ तो लेकिन उसमें वैसे 3 दिन तो बचते हैं उसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा दिन खोल दें आप, पूरा दिन खोल दो सबके लिए, अच्छा लेकिन जिन्होंने कल किया कहना आज ना, अच्छा चलो आसानी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही सही हो गया, डन हो गया, फिर हमारे लिए भी होता है ना कि तुक्का किसी दिन भी लग जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलें जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे, आमीन आमीन आमीन, आपको भी खुश रखे, आमीन, अच्छे करे, आमीन, और हमारी सारी बहने जितनी सुन रही है अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, आमीन, और हमारे सारे बुजुर्गों को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, और ये नया साल हम सबके लिए हर आसानी के लिए आ जाए, अल्लाह ताला इतनी आसानियां कर दे कि जो महंगाई आसमान से बातें करी अल्लाह वहीं पकड़ के इसको रोक ले हमारे नीचे ना आने, आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी इमरान साहब, ने ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ ओके। तो जी इमरान साहब जो बड़े हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बड़े पुराने लिसनर हैं, वो कहते हैं ना कि देरीना लिसनर हैं। ओके चलें जी लेट्स सी कौन हमारे लाइन पर, एंड अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सिद्दीक गबोल। जी सिद्दीक गबोल, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके आपके प्रोग्राम में कॉल मिलाना और सर्दी में गंदा गोला खाना बराबर। अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो मिल गई आपकी कॉल मिल गई ना, ये मेरे अल्लाह का करम मिल गया, माशाल्लाह वल्लाह हबीबी। हाँ जी क्या कहेंगे टॉपिक पर? टॉपिक पर सब मैं कहूँगा, दूसरा ये इमरान भाई आया था ना, जी जी, ये तो माशाल्लाह बहुत काबिल
लिसनर है, ये तो मतलब इतनी बातें छोटे इतनी बातें होते हैं, बस कॉल खत्म होने को नहीं होती। सही हो गया। नहीं चले आप बताए ना क्या कहेंगे टॉपिक पर। टॉपिक आपका सुना तो लेकिन अभी दिमाग में नहीं है, कॉल मिला मिला के। अच्छा तो कुछ कहेंगे इसके अलावा और? नहीं आप टॉपिक टॉपिक बता दो। मैं आपको किस चीज का पछतावा है ये बताएं। पछतावा मुझे जो है ना, जब मैं अपने घर वाले के साथ थोड़ा गुस्सा करता हूँ ना बाद में, वो मुझसे पछताती रहती है, रोती रहती है, तो मुझे बहुत पछतावा इस तरह नहीं करता मैं उसके साथ। अच्छा फिर बाद में वही रिपीट करते हैं? हाँ बाद में फिर उसके साथ खुला कर लेता हूँ। नहीं बाद में दोबारा गुस्सा करते हैं? नहीं नहीं दोबारा नहीं, फिर उसको उस दिन छोड़ के फिर अगले दिन दोबारा गुस्सा तो नहीं करते? नहीं 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 करते। अच्छा चले अच्छी बात है, एटलीस्ट आप एहसास होता है आपको। सही है चले, लेकिन हर बार नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि बार 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 रुला रुला गया, चलो माफी 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 तरा भी अगली बार दोबारा रुला दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सही है चले, ठीक हो गया। चले मेरे भाई बहुत शुक्रिया, जितने भी सुन रहे हैं तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। ओके चलें जी कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। कामरान शाह कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, साफ ते सजना चा, रसूल बख्श कहते हैं कि वाह अंकल वाह क्या बात है अंकल, मुके कदीना चा तू ऐसी चा बना। अच्छा मतलब कह रहे हैं चाय कभी खत्म ही ना हो ऐसी चाय बनाओ। ये क्या बात है, ये क्या लॉजिक है भाई, ये क्या सीन है। मन वाले मानते यानी कि रूप कहती है कि टॉपिक पर कोई बात नहीं कर रहा, नहीं करेंगे ना टॉपिक पर बात करेंगे तो मैं कमेंट्स में शामिल करूंगा। मौसम लियाकत कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप, अल्लाह पाक आपको तमाम मकासिद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल। आप बताइए मौसम आप कैसे, आप ठीक है खैर से हैं, लाहौर का मौसम कैसे, क्या हो रहा है लाहौर में? I'm really sorry. आपको बताया आई एम यू नो लिटिल नॉटी सो मतलब लिटिल तो नहीं काफी ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाते क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे, आप बताइए क्या हाल है अदीला? वही हाल है जो कल थे। वही हाल है आज भी वही है? जी हाँ। अच्छा लेकिन कल जैसे मैंने कॉल काटी थी ना उस वक्त आ गया था। अच्छा क्या गया था? अच्छा तो आ गया था रेडियो चल पड़ा ना, अब आ रहा है? जी हाँ। क्या बात है, देखा मतलब चेक करें आप। और बताइए क्या और, कहेंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज सर्दी एंजॉय करने का मूड है आपका? हाँ बिल्कुल, मैं सर्दी एंजॉय करती भी आई हूँ, अभी वापस जाते हुए भी सर्दी एंजॉय करते हुए जाऊंगी। यही है ना, हम आपके शुक्र गुजार हैं। अरे नहीं नहीं हिम्मत करके आप निकल आते हैं। नहीं बाकी सर्दी आज बहुत ज्यादा ही है और हम लेटे हुए सुनते हैं, हमें क्या पता। सही सही, नहीं नहीं पता चलता है, सर्दी तो पता चल रही होती है। और क्या कहेंगी टॉपिक पर? टॉपिक पर रिपीट कीजिए जरा। आपको किस चीज का पछतावा है? मुझे पछतावा किस चीज का है? मुझे पछतावा इस चीज का है कि रेडियो नहीं चल रहा हमारे पास। रेडियो अब तो चल गया ना, रेडियो अब तो चल गया। हाँ सही हो गया, चलें फिर तो सही हो गया, डन हो गया। और फिर तो सही है ना। और पछतावा इस चीज का है कि स्कूल लाइफ छोड़ी, स्कूल छोड़ दिए, स्कूल लाइफ छोड़ दिए, मतलब पढ़े बिना छोड़ दिए? नहीं नहीं बस जितना था मैट्रिक बस हुई था। अच्छा ठीक हो गया फिर सही। और तमाम सुनने वालों को सलाम कहूंगी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, सलाम बहुत शुक्रिया, हंसती रहे मुस्कुराती रहे इंशाल्लाह, और हमारे लिए भी दुआ करते रहे और हम आपके लिए भी करते रहे। चलें जज़ाकअल्लाह, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हमारी जानिब से, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much for calling. Alafiz, Alafiz, Alafiz. भाई कोई और अच्छा गाना बताओ, हम उसको बैकग्राउंड में सुनेंगे। चलें जी एक और गाना आ गया, हम इस वाले गाने को सुनते हैं। और हाँ कल सुना था क्या हो गया तो आज दोबारा सुन लेते हैं। और हाँ जी because it's a lovely track so why not, wo kya kehte hain, acha ji yahan se isko hame karna padega turn on karte hain, let's see corner mein line par, assalam alaikum. Wa alaikum assalam Farhana sister, kya haal? Mere haal bahut acche, aap bataiye Rana Imran mere bhai kaise hain, aap theek hain khairiyat se hain? Alhamdulillah Allah ka shukr hai, aapki dua sab theek hai, kya baat hai zabardast, kya kahenge kehna to ye tha ki parson maine kuch suna tha जी जी, अल्लाह पाक पहले तो उसको सेहत अता करे, आमीन,
तंदुरुस्ती अता करे और बीमार हो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सो आमीन। दूसरी बात ये कहनी थी कि चाहत बहन ने कहा था कि भाई मुझे निहारी बनाना आती है, कढ़ाई बनाना आती है जी, और बिरयानी बनाना आती है। ये तो हमारी न्यू लिस्नर है ना मेरे ख्याल में। जी जी। बाकी मुझे तो माशाल्लाह आपका शो सुनते हुए पौने 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, अरे वाह क्या बात है। ओके जबरदस्त हो गया। बाकी बाकी ये कहना चाहूंगा कि चाहत बहन को ये नहीं पता कि आफिस भाई है ना, जो आफिस भाई जी वो ऐसा बंदा ढूंढता है, अगर ना मिले ना तो बाद में क्या बोलता है, अगर कुछ चलाना नहीं है तो भाई पैसे ही दे दो। चार बहन को बोलो ये राज की बातें आगे नहीं किया करो यार। सही है। ओके आप अपने भाई को अगर खिलाओ नहीं ना, फिर बोलते पैसे दे दो, खैर है मैं खुद ही खा लूं। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी माशाल्लाह अंकल है तो बहुत जबरदस्त काम की उन्होंने भी। इमरान भाई जी, इमरान भाई ने भी सही कहा कि काफी हालात खराब चल रहे हैं मुल्क के, बाकी हमारे भी यहाँ पे जॉब का मसला बना हुआ, कुछ बंदे निकाले। अच्छा अभी से डाउनसाइजिंग स्टार्ट हो गई है, ये कुछ की तैयारी हो रही है पहली तारीख से। चलें भी अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे, हम दुआ करते हैं। मैं तो सोच के बैठा हूँ अगर मेरा नंबर आ गया मैं तो भाई फैसलाबाद चला जाऊँ। अच्छा वहाँ पे जाके ना टेक्सटाइल में जॉब करूँ। अच्छा ठीक है, सही हो गया। बाकी तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। खैर मुबारक। और अंकल अब ठीक है माशाल्लाह? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अंकल काफी बेहतर है। अंकल पूछते हैं फटे के पाए मशहूर क्यों है? नहीं अंकल पूरी बता के गए रिसर्च अंकल। हाँ बता गए अंकल सारी रिसर्च। मैं थोड़ा काम में लगा हुआ था पर मैंने नहीं सुना। बाकी एक बात और कहना चाहूंगा कि पंजाबी गाने लगा के ना मुझे लगता है फराना बहन को भी पंजाबी आ जाएगी। हाँ मुझे काफी पंजाबी आ रही है, मुझे ऐसा ऐसा आ जाएगी। माशाल्लाह मैंने देखा ना आपको काफी अल्फाज बोलना आगे पंजाबी। हाँ जी आ गए। बाकी भट्टी साहब भी नहीं आ रहे। हाँ आ जाएंगे वो कॉल मिला रहे होंगे। और टॉपिक पर बात करूँ? जी 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 जी। टॉपिक पर यह बात करूंगा कि आपने अभी टॉपिक ही भूल गया आपका, पछतावा। बस मुझे एक बात का पछतावा है कि मैंने एक के ऊपर भरोसा किया था। अच्छा हाँ वो बताया था ना मैंने। हाँ जी बिल्कुल 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 आपने बता दिया बिल्कुल। हमें याद है बिल्कुल बिल्कुल। यही पछतावा मुझे और कुछ नहीं। चले सही हो गया, डन हो गया। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। जरूर बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपना ख्याल रखिए। आमीन सुम आमीन। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। ओके जी सो गाना गा गया भाई, खत्म गाना। ऐसे कैसे भाई करते हैं लेट्स के कॉर्नर में। सलाम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए परवेज अंकल आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो खांसी भी आ रही है। अच्छा नहीं मौसम ऐसा है ना तो इसलिए नजला खांसी तो ये तो आम है आजकल। सही अंकल, अंकल का पानी पी लें अंकल आप। हाँ बेटा पानी पी रहा हूँ। हाँ जी पानी देखना कबड्डी के ना मिलने। ना करे अंकल यार, घर घर के बुढ़े हो। अच्छा और बेटा दूसरा क्या था आपका क्या था वो? दूसरा ये था कि मैं रंग शरबतों का और कबड्डी रंग है पेप्सी का। अंकल नाम तो ले। सही हो गया अंकल, ठीक हो गया। और कुछ कहेंगे? और बेटा सब खैरियत है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। और बेटा हमारी इमो का भारी बेटी हुमैरा, हुमैरा आ जाएगी इंशाल्लाह सैटरडे कल से। सही है तो आप कल सुन पाएंगे हुमैरा को इंशाल्लाह। चलें अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच कॉलिंग, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। ओके जाना पड़े तेरे जाने से जीना पाऊं। साथ साथ उस्मान खान कहते हैं अल्लाह हाफिज अभी जान। आप ये कमेंट्स पढ़ेंगे तो ना टाइम एंड हो चुका होगा, मैंने ना अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाया है महरीन। ओके होशियार। साथ साथ फरा से लिटिल नॉटी, उफ ताबा ताबा। हाँ मैंने कहा तो है कि लिटिल नहीं, I'm very naughty. बस खुश हो जाओ।
अनवाल कहते हैं आप ये फराज भाई ना मुझे ना टॉपिक गलत बता रहा था, आप देख लो आप तो तुम सुनो ना शो, तू थोड़ी देर तुम शो सुनो। कामरान शाह कहते हैं मुझे उस दिन पछतावा क्या कि बर्थडे वाले दिन शो लाइव शो नहीं सुनने पर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, शो मौजूद है, आप कभी भी सुन सकते हैं मेरा शो। अंबर कहते हैं कि जिनमें शामिल ना हो तेरी खुशबू ऐसे सब मौसमों पे धूल हो, कि जिनमें शामिल ना हो तेरी खुशबू ऐसे सब मौसमों पे धूल हो। हाय अंबर। अच्छा मौसम कहते हैं कि अल्लाह पाक का करम और आपकी दुआ से माशाल्लाह लाहौर का मौसम जबरदस्त है और पिछले दो दिन से बारिश हुई है और कल से फिर धूप निकली थी, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। हमारे लिए बहुत फायदा होता है जब आपकी और आपकी दोस्त की पसंद ना एक जैसी हो, आप पता चल रहा है। हाँ अमर वैसे ये बात तो सच है, वैसे अमर और हम दोनों के जो बहुत सारे ट्रैक्स हैं हम दोनों के वो सेम फेवरेट है ना, म्यूचुअली अग्रीड। चलिए जी कॉलर को शाम करते हैं, लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आयशा? आपकी तरह प्यारी सी। अरे वाह क्या बात है, काजल लगा लेना नजर ना लग जाए। आंखों में लगाया हुआ है? नहीं वो माथे पे लगाना, टीका गोल सा बड़ा सा टीका लगाना। बच्ची थोड़ी ना। अच्छा बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। जबरदस्त भाई, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह वल्ला हबीबी। अम्मी ये सुनती है ना अम्मी इतना हंसती हैं। अच्छा अच्छा मैंने अम्मी से पूछा था, मैंने कहा हबीबी का मतलब क्या है। तो फिर नहीं, मैं किसी और बातों में गुम हो गई, फिर मैं अम्मी से मतलब ही नहीं पूछी। अच्छा आप बताएं भाई, मैं तो ऐसी कहती हूँ माशाल्लाह वाला हबीबी, ऐसी कहती हूँ मैं तो। जबरदस्त और शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। और टॉपिक जब आपको शो नहीं सुनती ना उस दिन मुझे पछताता हूँ, पछताती हूँ, पछतावा होता है ना, है ना, गुन्ना भी मिलता है उस दिन, फिर दूसरे दिन सुनती हूँ, तीसरे दिन फिर सोई रह जाती हूँ। ये कहता पछतावा है भाई है। चलो सर्दी है तो चलो माफ किया। और आबिद भाई के मोबाइल का क्या हुआ, आज कमेंट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं आबिद अमीर के आज भी कमेंट, अरे आबिद अमीर के आज भी फेसबुक लॉग है। ये तो मैं बताने भूल गई, मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे नहीं पता कहीं ऐसा तो नहीं। आबिद अमीर की वजह से जो है ना आयशा की भी आईडी ब्लॉक हो गई, आयशा ने भी कमेंट नहीं किया अभी तक। हां ना दोनों गायब है पता नहीं है ना, हो सकता है ऐसा। चले ठीक है, ओके चले सही है, अपना ख्याल रखिएगा आयशा, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा, ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। कौन है मेरे लाइन पर? एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट आ गए, अरे आ गए भाई, फेसबुक ब्लॉग थी ना, आ गए कॉल पे आ गए। अरे फेसबुक कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। हाँ। मौत का एक दिन मुतय्यन है। हाँ। नींद क्यों रात भर नहीं आती? सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल करने की आदत हो गई है कि नींद ही नहीं आती। वाह वाह। अरे ये तो आप सुने, अक्सर जो मैं बेगम के लिए कमेंट्स करता था ना। हाँ। तो मुझे पता है नोटिफिकेशन में या फिर उसमें आता था मैसेज फेसबुक के कि नॉट योर स्टैंडर्ड कमेंट ना। अच्छा। कंपनी स्टैंडर्ड वगैरह। हाँ, तो बेगम के हिसाब से भी आते थे गाइडलाइंस स्ट्राइक। कम्युनिटी आपको ना कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ जाके आप बात करते थे। अच्छा सवा तीन का असर सूखे इधर। तो वो वक्त करीब है, मतलब कवर कर लेना है पूरे। अच्छा। हर तरीके से कवर कर लेना है दुनिया को, है ना। अच्छा सही है ना, तो ठीक है। अच्छा फिर वो वाले दौर में चले जाएंगे जब पहले खवातीन घर की सरबरा हुआ करती थी ना, पुराने बहुत ही पुराने जमानों में। देखे और चीजों का हक है ना, अल्लाह ताला ने मर्द को क्यों दिया ना, बिल्कुल वो मामला अच्छे रहे ना, बिल्कुल जो बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं हम मानते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम से कैसे हम इनकार कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। ना कुछ चीजों के लिए मर्द के लिए मुतय्यन है वो, ठीक है मामला बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो इस तरह पूरा वर्ल्ड कवर करेगा ना, तो मुझे लगता है जब तक हम नहीं होंगे। अच्छा ये शुक्राने नवाबिल बड़े जन्नत में बिरयानी हार
रहे होंगे ना। अरे अरे मैंने बताया था, अरे आपको बराबर में मिलेगी बिरयानी पकौड़े टिक्के सब चीजें। और आपने देखा अभी से प्रॉमिस करके जाए, आपने अंगारे जरूर देना हमें सर्दियों में। हाँ बता दिया हमने, नहीं देंगे आप, बताए मजाक में भी नहीं बोलते। अरे लो अल्लाह, इंसान अपने अमाल की बेस पर जाएगा जहाँ भी जाएगा, सही है। हाँ तो फिर तो किसी के कहने से थोड़ी ना जाएगा जन्नत में दोजख में। कबूल की घड़ी होती है, अब मैंने कह दिया तो भाई लो ये क्या बात हुई। मुझे मशवरे मिले ना, आप फेक आईडी बना लो। अच्छा बोला ये दिन भर जो बदमाश देती रहती है फेक आईडी वाले पकोड़े से तलेंगे। ना बाबा ना, इसलिए भी मशवरे मिले फंस रहे होंगे जिन्होंने दिए। अच्छा फेक आईडी के मशवरे मिले आपको, फेक आईडी बनाए। मैंने आपसे पूछा तो था कि फेक आईडी नहीं है कोई, आ जाए उससे। अब मैंने प्राइवेसी लगा दी, फेक आईडी वालों के कमेंट्स आएंगे नहीं अब मेरे पास। बस यू अरे डिसाइड भी कर लिया था ना। हाँ। कि उस दिन डिंपल बॉय नाम रखा था ना। अच्छा वो फिर तो हम पहचान जाते आप ये फेक आईडी के पीछे। तो फेक आईडी में बताता आपको कि मैं हूँ। अच्छा फिर सही है, फिर अगर आप बता देना तो फिर तो वो फेक नहीं रहती। जो लोग अपनी पहचान छुपाकर फेक आईडी इस्तेमाल करते हैं ना, यू नो सारी बातें फेक आईडी से आगे करते हैं। बस मैं टॉपिक पर बात करूं। हाँ जी प्लीज कीजिए ना। मैं अंग्रेज मैं फरंगी में बोलूंगा टॉपिक पर। अच्छा प्लीज, मुझे जो आपने कहा क्या अफसोस है ना। जी जी पछतावा। टाइम वेस्ट करने पे मुझे बहुत अफसोस है। क्या 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 यू नो व्हाट टाइम वेस्ट करने पर। ओके इफ यू हैव वेस्टेड योर टाइम बिकॉज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड लव बाय वेस्ट माय टाइम। गाने के लिरिक्स से बता दूं मैं। हाँ तो मतलब सही है, आप सही फरंगी है, आपने सही जगह से चुराई है। आना टाइम बहुत जाया हो गया, 35 साल जाया हो गए। 35-40 बोले आप, 45 हो जाएंगे अब तो। देखे रहने के लिए मान गए, मान गए भाई, मान गए। समझा करो 35 सही है। अच्छा 35 सही है, सही है। अच्छा चले ठीक है, आपके कहने से क्या होता है, हमने कौन सा मानना है। अच्छा वो सुन रहे हैं, मैं आपकी इजाजत से कुछ बोलूं। जी जी बोलिए। छोटी सी लाइन। जी जी तो मुनासिब सोच समझ के मैंने प्लान करके बोल रहा हूँ ना। जी जी देखिए होता क्या है ना कि हम अपने जाविये में अपने जायचे में लोगों को तोलते ना, हमारे हिसाब से हो, हमारे हिसाब से आप हो, हमारे हिसाब से मैं हूँ, अब दूसरा भी यही सोचता है कि वो आपके हिसाब से हो। असर किस पे पड़ा, यानी कि जिससे लोग जमा हुए शो शो यानी कि चार चांद लगे, वो लोग ज्यादा चाहते हैं कि खुशी खुशी ज्यादा हो, ठीक है। संजीदगी कम लोग चाहते हैं, है ना, संजीदगी या मैं कम लोग चाहते हैं। अब कहने का मतलब ये कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जबरदस्ती करना का मसला, जबरदस्ती के आना की बात क्यों, जबरदस्ती यानी कि आप चाह रहे हैं कि हमारा मंजन या मेरा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मेरी ज्यादा वाह, तो ये गलत बात है। देखें देखिए गलत बात है, क्योंकि आना का मसला मेरा जाति बना लेना, ये तो मेरे गलत इंसान हुआ ना। मैं अगर मैं बड़ा हुआ, मेरे अगर मेरी उम्र का फिर फायदा क्या हुआ कि मैंने अगर 25-35 साल जी लिए तो क्या फायदा है, बेकार जिंदगी है। क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ बात को, मैं समझ नहीं रहा हूँ बात को, और जबरदस्ती का आना का मतलब बनाता हूँ। कहने का मतलब हर इंसान अपने हिसाब से, कोई ना आप उसको पैसे देते हैं, ना मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ना आप मुझे दे रहे हैं जो मैं आपको मंजन बेचूं या मैं आपको करूं, ना आपके पास जॉब कर रहे हैं। तो जबरदस्ती का आना का मसला बनाना बहुत बुरी बात है। आप सही, हमने जिंदगी गुजारी है, अगर हम समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर ऐसे मनफी जिंदगी खुद तकलीफ में रहेंगे। मैं तो सही सही हो गया, क्या फायदा। सही बात है, समझ गया आपके मतलब कहना चाह रहे हैं कि देखिए किसी का किसी पर कोई जोर नहीं है कि आप जो है वो अपने जावे में आप जैसे जिंदगी गुजारें ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से खुश है तो ठीक है, वरना वहाँ से किनारा कर लें या तो फिर उस अना को खत्म कर दें, है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। ये मैंने बिल्कुल मदनी स्टाइल में बात की आपसे, बिल्कुल मोहब्बत वाले स्टाइल में, बिल्कुल समझने को इसमें टोन बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल। वरना अगर मैं अपने अंदाज में बोलूंगा तो खुश अच्छे नहीं लग रहे क्या। चले ठीक है, मैं आगे अगर मैंने कुछ बोलना शुरू किया तो फिर ना बात बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। आपसे थोड़ी सी मैं चाहूंगा जी, आप दरगुजर किया करें, मैं बिल्कुल जी जवाब नहीं दिया करें। सही है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पढ़ा हूं ना आपसे, जी जी मेरे लिए अगर रखना चाहें तो, वरना आप जैसा चाहें जरूर मैं दरगुजर करूंगी। बस आप अगर आप बिरयानी की फरमाइश भी करेंगे तब भी हम भी आप दरगुजर करेंगे भाई।
बिल्कुल ऐसे ही देखें जवाब बिल्कुल ऐसे ही, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूँ, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ बातों का जवाब देना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वो बात है ना, देखें अब हम यहाँ पर बैठते हैं तो हमें हर बात सुनने का ये नहीं कि हम हर बात सुनेंगे यहाँ पर बैठ के, ठीक है ना, और ना हर किसी के पास ये राइट है कि वो कुछ भी आकर बोलेंगे, तो कहीं पर जवाब देना तो बनता ही है। यू आर लाइक अ टीचर, टीचर आपकी सीट मतलब टीचर की है, सब यही कहते हैं उस्तानी वगैरह और इस तरह से अल्फाज आपको देते हैं, तो टीचर का ये होता है कि वो मसले का हल पे जाता है, ना कि वो उस तरह से ना किसी को वो मतलब फिर भी वो बिगड़े वो को भी लेके आता है। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह से बस आप कहिएगा। बिल्कुल ऐसे ही, हम तो बिगड़े हुए को इतने सारे मौके दिए हमने, तो आपको तो पता ही है, मौके को छोड़ दे बस लेके आते हैं। नहीं नहीं देखिए जो भी बात है, खैर मुझे नहीं पता किस वो दो घंटे दे रहा है ना, देखिए कोई अच्छा अगर आपको नहीं भी समझ रहा, मुझे अच्छा नहीं समझ रहा, लेकिन मुझे मेरे जवाब दे रहा है, मुझे मेरे मैसेज का, तो मैं अपने ऊपर रख के बोल रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह तो है ना। सही है, ठीक है, चले, ये बहुत बिल्कुल जी सही है, ऐसे ही है कि भाई देखिए अना के मसला, अना का मसला ना बनाए किसी भी बात को, अगर आपको खुशी मिल रही है कहीं से। अजीब लड़की है आप तो, बात कहती है मैं तो दिल में रखती नहीं हूँ, तो सोच है आपकी के वो इंसान कह रहा है मैं दिल में नहीं रखता हूँ, तो फिर छोड़े ना। अच्छा सही है, चले ठीक हो गया, सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया भाई, हम तो खैर मनाते ही नहीं है अना का मसला किसी चीज को। चले आपने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपको, चले हमने ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, इंजॉय करें ना, शुक्र करें, सब्र करें, एंजॉय करें, बस सिंपल फंडा है। पुराना दिन कहते हैं सो स्वीट, चलें जी टाइम हो गया जाने का, अंबर कहती है यस कम टाइम्स द शट अप कॉल इज नीडेड, यस ऑफ कोर्स अंबर,